फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि वॉशिंग मशीन में मैनुअल पानी कैसे सेट कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि मशीन ऑटोमेटिक पानी कैसे सेट करती है। तो हमने मशीन को स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद पावर ऑन करने के बाद यहां से पावर ऑन की, अब हम डायरेक्टली इसको स्टार्ट कर देंगे। मशीन में हमने कपड़े डाल दिए हैं, डिटर्जेंट डाल दिया है, इसको पानी से कनेक्ट कर दिया है, इसको इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर दिया है और अब हम इसको सिंपली स्टार्ट करते हैं। जैसे स्टार्ट करते हैं अभी ऑटोमेटिक पानी सेट कर रही, क्या हो रहा है, पल्सेटर मूव करके कपड़ों की क्वांटिटी को जज कर रहा है। क्वांटिटी को जज करने के बाद ये खुद ब खुद तय करेगा कि अब कितना पानी मशीन को लेना चाहिए। तो यहाँ पे पानी का सिलेक्शन हमारी मशीन ऑटोमेटिकली कर रही है क्योंकि हमने इसको ऑटो टेस्ट पे लगाया हुआ है। कुछ ही देर में ये पानी का सिलेक्शन कर लेगी कपड़ों के हिसाब से, इसने मिनिमम पानी सेलेक्ट किया है और अब मशीन पानी लेना शुरू कर देगी। तो पानी आना शुरू हो गया है, आप देख सकते हैं।